आपका हमारे YouTube चैनल रेसिपी का सब सक्सेस पॉइंट पर स्वागत है। इससे पहली वीडियो में आप क्वेश्चन नंबर 656 तक देख चुके, इससे आगे देखिए। इस सीरीज में जो क्वेश्चंस का जो है सिलेक्शन है काफ़ी अच्छा है, काफ़ी कुछ आपको इसमें से एग्जाम में देखने को मिलना है, तो आप इसको बड़े अच्छे से तैयार कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 657। नंदलाल बोस को कलकत्ता ललित कला अकादमी द्वारा रजत जयंती पदक कब दिया गया? तो इसका ऑप्शन जो है ए सी हो जाएगा, 1958 ईस्वी। नेक्स्ट देखिए, भारत सरकार द्वारा नंदलाल बोस को पद्म भूषण कब दिया गया? तो इसका ऑप्शन डी सी हो जाएगा, 1954 ईस्वी। नेक्स्ट देखिए, एशियाटिक सोसाइटी कलकत्ता ने रविंद्र शताब्दी पदक से नंदलाल बोस को कब सम्मानित किया? तो इसका ऑप्शन जो है डी सी हो जाएगा, 1965। 15 फीट लंबा कौन सा चित्र 1 घंटे में नंदलाल बोस ने बनाया? तो इसका ऑप्शन बी से हो जाएगा, पांडवों का हिमालय आरोहण। नेक्स्ट, नंदलाल बोस के चित्रों को किस श्रेणी में रखा जाता है? तो इसका ऑप्शन जो है सी से हो जाएगा, दार्शनिक। नंदलाल बोस ने किस कलाकार के चित्रों की अनुकृतियाँ बनाई? तो इसका ऑप्शन जो है राजा रवि वर्मा, रेफल, ए व बी दोनों। ऑप्शन सी से हो जाएगा, ए व बी दोनों। नेक्स्ट, उड़ीसा की एक दुकान किसने चित्रित किया? तो इसका ऑप्शन जो है ए सही हो जाएगा, नंदलाल बोस। नेक्स्ट, मूल रूप से बोस के चित्रों में किसका अंकन हुआ है? तो इसका ऑप्शन जो है सी सही हो जाएगा, शिव। नंदलाल बोस की रेखाओं में क्या है? तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाए, शक्ति और जीवन। नेक्स्ट देखिए, गांधी जी की दांडी यात्रा किसने चित्रित किया? तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, नंदलाल बोस। नेक्स्ट, शिव का विस्पान किसने चित्रित किया? तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, नंदलाल बोस। उमा की तपस्या किसने चित्रित किया? तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, नंदलाल बोस। नेक्स्ट देखिए, नंदलाल बोस की आरंभिक कृतियाँ किस रंग माध्यम में मिलती है? तो इसका ऑप्शन जो है बी सही हो जाएगा, जल रंग। 1914 में जोगी मारा के गुफा चित्रों की प्रतिलिपियाँ किसके द्द्वारा तैयार की गई? तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, आसित कुमार। 1938 में इलाहाबाद संग्रहालय में किसकी स्थापना की गई? तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, हल्दर हाल। नेक्स्ट, आसित के द्वारा रचित चित्र ग्रंथ है? तो इसका ऑप्शन जो है बी सही हो जाएगा, मेघदूत ऋतु संहार। नेक्स्ट देखिए, प्रसिद्ध चित्र चौराहे पर किस पर बना है? तो इसका ऑप्शन जो है डी से हो जाएगा, लकड़ी पर। नेक्स्ट देखिए, आसित का प्रसिद्ध चित्र तांडव नृत्य किस में प्रकाशित हुआ था? तो इसका ऑप्शन जो है बी से हो जाएगा, वार सेवेनियर। नेक्स्ट देखिए, इनका बनाया भिक्षु चित्र किस गुण से भरपूर था? तो इसका ऑप्शन ए से हो जाएगा, देवत्व। नेक्स्ट देखिए, मजूमदार किस शैली के चित्रकार थे? तो इसका ऑप्शन डी से हो जाएगा, बंगाली शैली। नेक्स्ट, मजूम द्वारा चित्रित प्रथम चित्र था? तो इसका ऑप्शन जो है ए से हो जाएगा, ध्रुव की तपस्या। नेक्स्ट देखिए, अवनी बाबू ने मजूम के किस चित्र को संगीत के साथ स्वर कहा? तो इसका ऑप्शन जो है सी से हो जाएगा, करसन और गोपियाँ। नेक्स्ट देखिए, मजूम ने किस चित्र को मोनोक्रोम माध्यम से बनाया? तो इसका ऑप्शन सी से, नायिका व मधुमक्खी। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन चित्रकार कवि कहानीकार उपन्यासकार व दार्शनिक था? तो इसका ऑप्शन बी से हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर के चित्रों की प्रदर्शनी पेरिस में कब हुई? तो इसका ऑप्शन बी से हो जाएगा, 1930 ईस्वी। भारत का प्रथम आधुनिक चित्रकार किसे कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन ए से हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर के चित्रों का माध्यम क्या था? तो इसका ऑप्शन जो है डी से हो जाएगा, उपरोक्त सभी, जल रंग, एचिंग, इंक। नेक्स्ट देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर ने कितने चित्र बनाए? तो इसका ऑप्शन सी से हो जाएगा, 2500। नेक्स्ट देखिए, प्राचीन कानाफूसी किस चित्रकार ने बनाई? इसका ऑप्शन डी से हो जाएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट देखिए, दिल्ली में शिल्पी चक्र समूह का सूत्रपात किसने किया? तो इसका ऑप्शन बी से हो जाएगा, यामिनी राय। पटुआ कला कहाँ की है? तो इसका ऑप्शन जो है डी से हो जाएगा, बंगाल। निम्न में से कालीघाट चित्रों की विषय वस्तु थी? तो इसका ऑप्शन जो है
गांव के दृश्य, देवी देवता, मछली बिल्ली, उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी से हो जाएगा उपरोक्त सभी। यामिनी राय को पद्म भूषण कब मिला? तो इसका ऑप्शन जो है सी से ही हो जाएगा, 1955 ईस्वी। नेक्स्ट देखिए, यामिनी राय ने चित्रण किस माध्यम में किया? जल रंग, क्रेयान, प्राकृतिक रंग, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन डी से होगा उपरोक्त सभी। यामिनी राय का चित्र रथ पर राजा रानी किस माध्यम में बना है? तो इसका ऑप्शन बी से हो जाएगा टेम्परा। यामिनी राय के रेखांकन की विशेषता थी? तो इसका ऑप्शन बी से हो जाएगा सरलता। प्रारंभ में यामिनी राय ने किस शैली में कार्य किया? तो इसका ऑप्शन डी से हो जाएगा यूरोपीय शैली। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, माँ और शिशु किस प्रसिद्ध कलाकार की कला करती है? तो इसका ऑप्शन बी से हो जाएगा यामिनी राय। सूली के साथ यीशु किसने चित्रित किया? तो इसका ऑप्शन ए से हो जाएगा यामिनी राय। बम्बई के किस होटल में अमृता शेरगिल ने अपने चित्रों की प्रदर्शनी की? तो इसका ऑप्शन बी से हो जाएगा ताज होटल। नेक्स्ट देखिए, राधा कृष्ण और बलराम किसने चित्रित किया? तो इसका ऑप्शन सी से हो जाएगा यामिनी राय। नेक्स्ट देखिए, ऑल इंडिया एंड क्राफ्ट सोसाइटी की ओस स्वर्ण पदक अमृता शेरगिल को और से, थोड़ा एक यहाँ से मिस प्रिंट है, और से स्वर्ण पदक अमृता शेरगिल को किस चित्र पर मिला? तो इसका ऑप्शन डी से हो जाएगा भारतीय लड़कियाँ। नेक्स्ट देखिए, अमृता के टोर्सो नामक चित्र पर कहाँ से पुरस्कार मिला? तो इसका ऑप्शन जो है सी से हो जाएगा ग्रैंड सैलोन। नेक्स्ट देखिए, अमृता शेरगिल के चित्रों की मुख्य विषय वस्तु क्या थी? तो इसका ऑप्शन जो है सी से हो जाएगा पहाड़ी ग्रामीण। नेक्स्ट, पर्वतीय महिलाएं किसका प्रसिद्ध चित्र है? तो इसका ऑप्शन बी से अमृता शेरगिल। नेक्स्ट देखिए, अमृता का अंतिम अधूरा चित्र कहाँ संग्रहित है? तो इसका ऑप्शन बी से हो जाएगा राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय। नेक्स्ट देखिए, अमृता को बम्बई आर्ट सोसाइटी द्वारा कब पुरस्कृत किया गया? तो इसका ऑप्शन बी से हो जाएगा 1940 ईस्वी। और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखिए, पर्वतीय पुरुष प्रसिद्ध चित्र किसका है? तो इसका ऑप्शन डी से हो जाएगा अमृता शेरगिल। तो बस आज के लिए इतना ही। यदि आप एग्ज़ाम टाइम हमारी प्लेलिस्ट को चलाकर अपने सेंटर तक पहुंचते हैं तो हमारा जो है ये सीरीज लगभग इतना आप सेंटर तक पहुंचते पूरी हो जाएगी। इतनी स्पीड से आपको कराया गया है और काफ़ी कुछ आपको इसमें से देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। धन्यवाद।